अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको टिप्स बताएंगे। अगर प्याज काटने से पहले इस तरह दो टुकड़े करके पानी में डाल देंगे तो आंखों से पानी नहीं निकलेगा। इसको आधे घंटे के लिए हमें रहने देना है पानी में। ब्राउन क्रिस्पी प्याज किस तरह बनाते हैं आज उसकी टिप बताएंगे। हमने आधा किलो प्याज लिए और इस तरह स्लाइसेस में काट लिए हैं। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम किया है। ऑयल हमें ज्यादा लेना है प्याज के लिए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करते रहेंगे। चमचा मुसलसल चलाते रहना है। जैसे ही हल्की ब्राउन प्याज होने लगेगी तो हम इसका फ्लेम स्लो रख देंगे। अब स्लो फ्लेम पे इसको ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसका ऑयल हम छलनी में निकाल लेंगे। अब ऑयल को हमने इस तरह छलनी में निकाल दिया है। अब प्याज को ठंडा करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। इससे प्याज क्रिस्पी हो जाएगी। प्याज ठंडी हो चुकी है, ये देखें, ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इस तरह प्याले में टिश्यू डालना है। अभी ज़्यादा दिनों तक रहेगी प्याज, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। क्रिस्पी ब्राउन प्याज तैयार है। अब इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। टोमेटो के छिलके आसानी से किस तरह उतार सकते हैं। बॉयल पानी में 30 सेकंड तक टमाटर को बॉयल करेंगे। अब टमाटर को निकाल लेंगे। टोमेटो को ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखें, आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। देखिए, ये छिलके उतर गए आसानी से। आलू को बॉईल करके हमने 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद काटने से आलू टूटेंगे नहीं। अगर आप मसाले वाले आलू भी बनाएंगे तो साबुत ही रहेंगे आलू। सालन में ज्यादा नमक पड़ जाए तो फीके आटे की गोली बनाकर सालन में डाल दें। आटे की गोली डालने से सालन में से नमक जज्ब हो जाएगा।